नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चीनी गुलाब की कटिंग कैसे लगानी है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसको पोर्टुला का, मॉस रोज, चीनी गुलाब, सन रोज, 9 o'clock फ्लावर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक इसकी टहनी लेनी है और इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट लेना है और बाद में हम इसको गमले में लगाएंगे। चीनी गुलाब को किसी भी मिट्टी में हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि छोटा सा एक होल बनाना है या गड्ढा करना है 1 inch का और इसमें इसको लगाना है। अब हम जानेंगे विस्तार पूर्वक कि चीनी गुलाब को किस मिट्टी में ज़्यादा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो इसको दोमट मिट्टी जो रहती है, यानी इसको 40% रेत रहती है, 40% गाद रहती है, 20% मिट्टी रहती है, इससे जो बना हुआ मिश्रण है इसमें अच्छी तरह से खिलती है। यह पौधा कम पानी लेता है और इसको ज़्यादा धूप पसंद है, इसलिए इसको गमले में लगाते वक्त यह ध्यान में रखना है कि पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए और इसको खुली धूप मिलनी चाहिए। इसके बीज है ये आसपास गिरने के कारण ये गमले में फैल जाता है, इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी जड़ें सड़ जाती हैं, इसलिए हमें रोज़ रोज़ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके फूल हर रोज़ सूर्योदय के साथ खिलते हैं और सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। और यह भी मान्यता है कि यह घास धनवृद्धि करने वाली है और यह वनस्पति औषधि भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।